हेलो बच्चों, तो मैथमेटिक्स का आज जो है एलटी का हम पार्ट 11 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमने अभी तक पार्ट 10 पार्ट जो है वो हमने करवा चुके हैं, तो उसकी प्लेलिस्ट पूरी बनानी है। अगर आपने वहाँ पे नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। तो इसमें जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, 10 साल या 10 से ज़्यादा साल के जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं, वो सारे के सारे मैं इसको पूरे के पूरे सॉल्व करवा रहा हूँ। बाकी कुछ मैं आपको पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं उसमें पीडीएफ डाल देता हूँ। तो आपको ये ग्रुप है हमारा, ये टेलीग्राम पे आपको ज्वाइन कर लेना है और आपको पीडीएफ मिल जाएगी वहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपको अपना भी सब्जेक्ट लगता है कि कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ना है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो इसी ग्रुप में या पर्सनली, और मैं आपको जो है वो सब्जेक्ट की वीडियोज जो है वो टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, इफ एक्स अंडर रूट 1 + y + y अंडर रूट 1 + x बराबर 0 हो, तब डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या होगा, यानी इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन यानी अवकलन क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है। इतना बड़ा आपको क्वेश्चन दे रखा है। तो आपको क्वेश्चन दे रखा है, एक्स अंडर रूट 1 + y + y अंडर रूट 1 + x बराबर क्या दे रखा है बच्चों? 0 दे रखा है। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, डी वाई बाई डी एक्स ऐसे अंडर रूट में करेंगे तो बड़ा टफ हो जाएगा। हम क्या करते हैं, पहले किसी एक को ना इधर शिफ्ट कर लेते हैं। तो क्या कर दिया हमने, ऐसे कर दिया, एक्स अंडर रूट 1 + y इज इक्वल टू, ये प्लस का वाई इधर गया तो क्या हो जाएगा, -y अंडर रूट 1 + x। अच्छा, अभी भी जो है ये सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, वर्ग यानी स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड। तो ये हो गया एक्स अंडर रूट 1 + y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -y अंडर रूट 1 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, हट जाता है, ये मिला एक्स स्क्वायर और 1 + y। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है, और 1 + x। अब इसकी ना अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 हो जाता है एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर इंटू वाई कितना होता है, वो होता है एक्स स्क्वायर वाई। इसी तरीके से इक्वल का साइन लगा के वाई स्क्वायर इंटू 1 हो जाता है वाई स्क्वायर, और ये बन जाएगा वाई स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये जो वाई वाले हैं इनको अलग करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे करेंगे देखो, तो हम क्या करते हैं, पहले तो ये एक्स स्क्वायर वाला तो यहीं पे छोड़ देते हैं, ये वाई स्क्वायर इधर लेकर आ जाते हैं तो -y² बन जाएगा। इसी तरीके से वाई स्क्वायर एक्स को यहीं पे छोड़ा, इसको इधर लेकर आए, प्लस का है तो -x² y बन गया। इन दोनों में एक फॉर्मूला लग रहा है x² -y² का, वो फॉर्मूला होता है x + y फिर ब्रैकेट x - y। ठीक है, ये दोनों में क्या हो सकता है, एक्स वाई कॉमन निकाल लो, कॉमन निकालने में क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा वाई माइनस एक्स मिलेगा। इन दोनों में से एक एक्स और एक वाई निकाला तो एक वाई बच गया क्योंकि दो थे, इसी तरीके से एक एक्स यहाँ पे बच गया क्योंकि यहाँ पे दो थे। अब देखो ये वाई माइनस एक्स है, ये एक्स माइनस वाई है, अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता तो क्या होता, ये माइनस का वाई हो जाता प्लस का एक्स हो जाता। या मैं ऐसा लिखना चाहूँ कि अगर मैं वाई इसमें से माइनस भी कॉमन ले लूँ तो माइनस का वाई हो गया और प्लस का एक्स हो गया, सही बात है, तो ये भी एक्स माइनस वाई बन जाएगा। तो ये वाले से ये वाला देखो कट गया, तो क्या मिला, एक्स प्लस वाई बराबर -xy। अब क्या करो, ये y को इधर लेके चले जाओ, तो इधर लेके जाओगे तो क्या होगा, x बराबर -xy -y। अच्छा, तो क्या मिल रहा है, x बराबर -x कॉमन निकाल, -y कॉमन निकाल लो तो क्या मिल रहा है, x + 1। ठीक है, तो -y बराबर क्या मिला, -y बराबर मिला x / x + 1। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया। अब हमारे को करना क्या है कि इसका जो है डिफरेंशिएशन करना है, उससे के लिए ना मैं माइनस वाला साइन इधर निकाल देता हूँ, तो वाई बराबर हो गया -x / x + 1। इसका डिफरेंशिएशन में एक फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, पहले मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ, फिर मैं फॉर्मूला बताता हूँ और उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन बताता हूँ किस तरीके से करना है। तो जो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रखा है, वाई इज इक्वल टू क्या आया था आपका, आया था -x / x + 1। फॉर्मूला क्या कहता है, अगर दो फंक्शन जो है डिवाइड में है तो आप इसका डिफरेंशिएशन इस तरीके से कर सकते हो, यानी दो फंक्शन यू और वी अगर डिवाइड में, तो आप लिख सकते हो वी और डी वाई डी एक्स ऑफ यू माइनस यू डी वाई डी एक्स ऑफ वी अपॉन वी का स्क्वायर। इसका मतलब ये है, पहले वाले को आपको ऐसे ही छोड़ना है, ये जो नीचे वाला है दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करना है, फिर इसको ऐसे ही छोड़ देना है, पहले वाले का डिफरेंशिएशन करना है अपॉन इसका स्क्वायर कर देना है। तो क्या बनेगा इसका, वाई का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब क्या करो, नीचे वाले को ऐसे छोड़ो और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करो। एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बेटा 1, तो -1 आ गया माइनस, फिर माइनस एक्स को ऐसे छोड़ो और x + 1 का करो, एक्स का होता है 1 और +1 तो 0 हो जाता है उसका। ठीक है, तो ये मिला क्या, और नीचे में कर दो इसका स्क्वायर, तो 1 + x का होल स्क्वायर यानी x + 1 का होल स्क्वायर। इस -1 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा -x माइनस माइनस -1 और ये माइनस माइनस हो जाता है +x। ठीक है, अपॉन
क्या मिलता है नीचे, नीचे मिलता है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको ज़रा काट सकते हैं हम, ये प्लस का ये माइनस का ये, तो ये कट के मिल रहा है -1/(1+x)² तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसका, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, यानी ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी डिग्री कौन सी होगी, क्या होगी। d²y/dx² की होल पावर 2, dy/dx की होल पावर 2 इज इक्वल टू x sin d²y/dx², तो इसकी डिग्री 2 है, 1 है, 3 है, या इनमें से कोई नहीं है। तो सबसे पहले तो हम ये बता दें डिग्री होती क्या है। जब भी हम सबसे ज़्यादा ऑर्डर, ऑर्डर मतलब सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएशन जहाँ पे करते हैं, ठीक है, dy/dx² मैंने एक एग्जांपल लिख दिया, +1 = 0। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएशन जहाँ पे करा है, कहाँ पे करा है, यहाँ पे, इसकी जो पावर होती है ना उसको हम डिग्री कहते हैं। इसकी पावर इसमें कितनी है, 1 है। तो ये इसकी डिग्री अगर मैं बोलूँगा तो डिग्री 1 है इसकी, ठीक है। तो बड़ा आसान सा बात है समझना, जितनी बार डिफरेंशिएशन हो रखा होगा, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट टाइम, ठीक है, तो उसकी जो पावर होगी वो उसकी डिग्री होती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, कई बार इक्वेशन जो होती हैं आपको ऐसी दी जाती हैं जो आपको लगता है कि आप डिग्री निकाल लोगे, आपको देखा आपने हाईएस्ट पावर और आपने बोल दिया 2 इसका आंसर होगा, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है अब, क्योंकि अगर हम बात करें, क्या अगर मैं साइन वाई लिखता हूँ या साइन एक्स लिखता हूँ, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, d/dx(sin x), अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे cos x होता है। आप ऐसे तो कभी नहीं लिख सकते ना, cos x में x का भी तो नहीं करते ना ऐसे, d/dx(d²y/dx²), ऐसे तो कभी नहीं करते आप। तो एंगल का डिफरेंशिएशन नहीं करते आप नॉर्मली। तो अगर ऐसे एंगल का d²y/dx² लिखा हुआ है तो जनरल फॉर्म नहीं होती है। ये कैसी फॉर्म मानी जाती है, ये जनरल फॉर्म नहीं मानी जाती है, यानी ये डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म नहीं है और इसकी डिग्री निकालना पॉसिबल नहीं होता है इस तरह की फॉर्म का जिनमें एंगल का डिफरेंशिएशन हो रखा हो। तो इसका नन ऑफ दीज, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये जनरल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। जनरल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में एंगल का डिफरेंशिएशन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, आइटा की पावर 1004, 1006, 1008, 1010, 1012 और आइटा की पावर 510/5 में दे रखा है 508, 506, 504 और 502 की वैल्यू क्या होगी जब इसको सॉल्व करेंगे, i(1, -1) या -i(2)। ये आप खुद भी करके देख सकते हो सॉल्व, मैं इसको बताता हूँ कि करना किस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, जैसे आइटा की पावर 4 होती है इसकी वैल्यू 1 होती है, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ये बात आप याद रखना। इस तरह के कभी भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको आइटा की पावर 4 में इसको ब्रेक कर लेना है। मतलब क्या है मेरा बोलने का, कि जैसे आइटा की पावर 1004 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ i^4 × 251, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/251 और इसका आंसर आ जाएगा 1। समझे मेरी बात को। तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसे सभी को जो है, जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी इसमें नंबर दे रखे हैं, सबको ब्रेक कर लेंगे। तो पहले वाले को मैं लिख रहा हूँ i^4 की पावर 251, दूसरे वाले को क्या लिख रहे हैं, दूसरे वाले को लिख सकते हैं i^4 और इसकी अगर हम बात करें, इसकी पावर 251 तो होगी, तो ये तो 1004 बना, इंटू आइटा स्क्वायर कर दिया हमने। क्यों करा, क्योंकि 1004 तो इतना हो गया, लेकिन ये कितना है 1006, तो 2 पावर और यहाँ पे बगल में लिख दिया आइटा की, ठीक है। फिर प्लस आइटा की पावर, अगर हम बात करें 1008 की, प्लस ये जो है आइटा की पावर 1010 दे रखा है, तो 1008 दे रखा है, तो 1008 को हम लिख सकते हैं आइटा की पावर 4, इसकी पावर 252। 1010 को क्या लिख सकते हैं, आइटा की पावर 4 की पावर 252 इंटू आइटा स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 1012 को लिख सकते हैं आइटा की पावर 4 की पावर 253, ठीक है। अपॉन में, यहाँ पे पूरा का पूरा लिख रहा हूँ, अपॉन में क्या क्या आएगा, 510 है, तो अगर हम 510 को 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा, पहले तो ये सोच लेते हैं। 510 भाग दे रहे हैं हम 4 से, तो ये आइटा की पावर में कट रहा है 127.5, ठीक है। तो ये आ रहा है आइटा की पावर 0.5, तो ये 127 और आइटा स्क्वायर आ रहा है, प्लस फिर आ रहा है 508, 508 हो जाएगा आइटा की पावर 4 की पावर 127, फिर हो जाएगा 506, 506 का मतलब है आइटा की पावर 4 की पावर 126 इंटू आइटा स्क्वायर, और फिर प्लस लगा के 504 को लिख सकते हैं आइटा की पावर 4 की पावर 126, फिर लिख सकते हैं आइटा की पावर 502 को 4 की पावर 125 इंटू आइटा स्क्वायर,
ठीक है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा, ये पूरा का पूरा आईटा की पावर 4 1 होता है, 1 की पावर 251 यानी 1 बना, 1 की पावर 251 इंटू आईटा स्क्वायर, आईटा स्क्वायर की वैल्यू -1, फिर ये खाली आईटा दिख रहा है यानी आईटा की पावर 4 दिख रही है, 1 की पावर 252, फिर +1, इसी तरीके से ये भी -1, फिर ये +1, इस तरीके से बन गया। नीचे क्या बना, नीचे बना आईटा स्क्वायर पहले में दिख रहा है तो -1, फिर ये बना +1, फिर ये बना -1, फिर ये बना लास्ट वाला +1 और लास्ट वाला फिर -1। तो हो क्या रहा है, देखो +1 -1 कट रहे हैं, +1 -1 कट रहे हैं, ऊपर मिला 1, -1 +1 -1 +1 कट हो गया, नीचे मिला -1, तो इसका आंसर आया -1। तो ऑप्शन नंबर सी यानी थर्ड ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, अंडर रूट टू कॉस 4a का मान क्या होगा, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, कॉस ए कॉस 2a, 2 cos a/2 या अंडर रूट 2 cos a। तो आप खुद भी इसको सॉल्व कर सकते हो, मैं बहुत ही आसान तरीके से इसको बता रहा हूँ कि किस तरीके से सॉल्व करना है। तो मैं आपको इसके लिए एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, 1 प्लस cos 2a का, 1 प्लस cos 2a होता है 2 cos² a/a। ठीक है, इसका मतलब ये है अगर यहाँ पे 2 एंगल है तो इसको डिवाइड करके 2 से आधा एंगल हो जाता है और ये वाला 2 यहाँ पे लिख लिया जाता है। ठीक है, अगर मैं इसे लिखूंगा 1 प्लस cos 4a तो इसको लिखूंगा 2 cos² 2a लिखूंगा, यानी एंगल को 2 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो इसको देखो करने का तरीका क्या होगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अंडर रूट आपको दे रखा है 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 cos 4a, इन दोनों में से मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 कॉमन लिया तो ये मिला 1 प्लस cos 4a, और 1 प्लस cos 4a अभी मैंने आपको बताया था क्या होगा, ये होगा 2 cos² 2a, तो ये मिला अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 इंटू 2 cos² 2a। अच्छा, 2 इंटू 2 ये तो बाहर आ गया, ये बन गया आपका अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस, ये 2 बाहर आ गया और ये अंडर रूट में cos² 2a मिला, ये स्क्वायर से रूट हटा दो तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 cos 2a। फिर इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो, यानी इन ये वाला 2 2 ऐसे ही लिखा गया है, इसको स्क्वायर से हटा के रूट ये cos 2a इसके बगल में लिख दिया, फिर इन 2 को कॉमन ले लो तो ये मिला अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, फिर 1 प्लस cos 2a, फिर 1 प्लस cos 2a की वैल्यू अभी बताई थी मैंने क्या होती है, 2 cos² है, तो ये मिला अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 इंटू 2 cos² a। फिर दोबारा से ये 2 बाहर आ जाएगा तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट cos² a, फिर स्क्वायर से रूट हटेगा तो क्या मिलेगा, अंडर रूट 2 प्लस 2 cos a, दोबारा से 2 कॉमन लेंगे तो ये मिलेगा 2 1 प्लस cos a, और 1 प्लस cos a मैंने आपको बताया एंगल आधा हो जाता है, तो ये बनेगा 2 इंटू 2 cos² a/2, इसका फॉर्मूला a/2 का बना, तो ये 2 2 सा, फिर ये 2 बाहर आ गया, ये बना cos a/2। 2 cos a/2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।